जो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे EDMC द्वारा दी गई वर्कशीट 27 विषय हिंदी कक्षा 4, उपविषय है सुनीता की पहिया कुर्सी। चलिए देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे देखिए आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्न एक, क्या सोचते ही सुनीता की आंखों में चमक आ गई। क्या सोचते ही सुनीता की आंखों में चमक आ गई। उत्तर है, अकेले बाजार जाने की सोचते ही सुनीता की आंखों में चमक आ गई। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा प्रश्न देखिए, सुनीता को क्या देखने में मजा आता था। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3, सड़क के किनारे खेलते हुए बच्चों को देखकर सुनीता क्यों उदास हो गई। सड़क के किनारे खेलते हुए बच्चों को देखकर सुनीता क्यों उदास हो गई। बच्चों इसका उत्तर है, सुनीता उदास हो गई क्योंकि वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। चौथा प्रश्न क्या दिया है देखिए बच्चों, बच्चे अमित को छोटू कहकर क्यों बुला रहे थे। उत्तर है, अमित का कद बाकी बच्चों से बहुत ही छोटा था, इसीलिए बच्चे उसे छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न पाँच क्या कहता है देखते हैं। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार अच्छा क्यों नहीं लगा। सुनीता को बताइए बच्चों, दुकानदार का व्यवहार क्यों नहीं अच्छा लगा। उत्तर है इसका, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि दुकानदार ने चीनी की थैली सुनीता के हाथों में ना देकर उसकी गोद में रख दी। कहाँ रख दी, गोद में। चलिए आगे देखते क्या दिया है। प्रश्न 2, किसने किससे कहा। वाक्य किसने और किससे कहे। चलिए देखते हैं क्या है। 1, माँ बाजार से क्या क्या लाना है, सुनीता ने माँ से कहा। दूसरा, क्या तुम अकेले संभाल लोगी, माँ ने सुनीता से कहा। यहाँ तीसरा, तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है, फरीदा ने सुनीता से कहा। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्या है, शायद तुम्हारे पहिया कुर्सी के कारण ही वे, आगे देखते हैं बच्चों, वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने सुनीता से कहा। पांचवा क्या है, नहीं हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं, सुनीता ने अमित से कहा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है बच्चों। प्रश्न 3, उदाहरण की सहायता से की और की लिखकर रिक्त स्थान भरिए। चलिए उदाहरण है देखिए, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था। उसने कहा कि वह अपने काम स्वयं कर सकती है। चलिए इसी तरह से हमें छोटा की और बड़ी की मात्रा की लिखना है। चलिए देखते क्या है। 1, सुनीता अचार की डैश बोतल पकड़ी तो अचार की दुकान। दूसरा है, दुकानदार ने चीनी डैश थैली गोद में रख दी, चीनी की। और ये तीसरा है, मोहित ने कहा डैश कि वो बहुत मेहनत करेगा। मोहित ने कहा कि वह बहुत मेहनत करेगा। आगे देखते हैं, आगे चौथा क्या है, यह रमा डैश पुस्तक है, यह रमा की पुस्तक है। पांचवा है, गांधी जी कहते थे डैश नहीं करनी चाहिए, गांधी जी कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए छठा क्या दिया है। छठा है, हमें विश्वास है डैश कोरोना महामारी जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो हमें विश्वास है कि कोरोना महामारी जल्दी समाप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 4, सुनीता ने कहा नहीं हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। क्या आप सुनीता की बात से सहमत हैं और अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। हाँ, मैं सुनीता की बात से सहमत हूँ।
सुनीता और अमित सुनीता की बातों से सहमत हूँ। सुनीता और अमित भी दूसरे बच्चों की तरह ही हैं, जो अन्य बच्चों की तरह ही अपना काम कर सकते हैं। सुनीता और अमित जैसे बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें कार्य करने के लिए बच्चों प्रोत्साहित करना चाहिए। वो भी हमारे जैसे ही हैं, वो सारे कार्य कर लेते हैं। उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उन्हें नीचा दिखाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी हर वीडियो की। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों।